रयान खान साहिबा की किताब के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे बहुत अरसे से एक डिबेट लगी हुई है, क्योंकि मैंने किताब खुद पढ़ी नहीं, ना इस किताब को अभी तक पब्लिश हुई हुई है। अगर जो कुछ डिबेट में सुनने में आ रहा है और जो देखने में मिल रहा है, अगर ये बातें रयान खान साहब ने अपनी किताब में लिखी हुई हैं, तो मैं इनकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किसी सियासी कायद का, किसी एक आदमी का, किसी पाकिस्तानी शहरी की, किसी शख्स को, किसी औरत को इख्तियार हासिल नहीं कि उसकी जाती जिंदगी में मुदाखलत करे। किताब में वसीम अकरम साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर किताब नहीं छपी और ये बातें उसमें मौजूद हैं, तो रयान खान साहब उनको उससे निकाल लेंगी, क्योंकि किसी की जात के ऊपर, किसी की जाती लाइफ के ऊपर किसी को यह हक नहीं मिलता कि वो तनकीद करे। रयान खान साहब को कोई किताब या ये बातें तब करनी चाहिए थी जब वो इमरान खान साहब के साथ शादीशुदा थी, उनके निकाह में थी। तलाक के बाद ऐसी बातें करना जो है, मैं समझता हूँ वो जेब नहीं देता ना रयान खान साहब को। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर एक सियासी पार्टी का लीडर, हर एक सियासी पार्टी का वर्कर, हर एक सियासी पार्टी से वाबस्तक रखने वाला पाकिस्तान का हर शहरी मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैं समझता हूँ कि हमें सियासत में मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, इस तरह की बातों से, इस तरह की तनकीद से गुरेज करना चाहिए।